सिर्फ यूट्यूब पे ही है ना? नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी अपनी जो भी चाहते हैं अभी उस चाहते के साथ जी रहे होंगे और साथ साथ जम के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखो बाबू, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो चाहते हैं अपनी अपनी सरकार से, उसमें हम लोग पूरे शिक्षक गण और आप स्टूडेंट लोग लगातार अनवरत एकदम हम लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार हम लोग की बात पर अमल भी कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार जो है कुछ न कुछ चीजें अभी जो हम लोगों के सामने लाई है। जैसे एसएससी की मैं रिजल्ट की बात करूं, बिहार एसएससी का मेंस एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, बिहार दरोगा का अगर हम मेंस एग्जाम डेट की बात करें, राजस्थान में भी आपका कुछ नोटिफिकेशन दिया है, बैंकिंग का भी कुछ आपका दिया है, तो ये कह सकते हैं गवर्नमेंट का कुछ न कुछ कह सकते हैं मेरे प्रति ये है, उसको लग गया है हमारी सरकार को कि नहीं, युवा वर्ग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मतलब सरकार जो है हमारी बात को धीरे धीरे मान रही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में आपका वो सारी शर्त आपको मान ले, ठीक है? तो हम लोग को लगातार कोशिश करते रहना है तब तक जब तक कि हमारी बातों को वो पूर्णतः ना सुन ले। अभी देखिए, रेलवे के बारे में कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आया है, तो अभी हम लोग को लगे रहना है। और मैं आपको बता दूं, कल सुबह में कह सकते हैं 11 बजे, कल 5 सितंबर है, हम लोग ट्विटर कैंपेन बहुत कर सकते हैं, जोर तोर से करेंगे और इस बार हम लोग की प्रयास रहेगी कि हम 10 मिलियन तक कल ट्वीट करें, 10 मिलियन तक करें, ठीक है? और पूरे इंडिया में नहीं, नंबर कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में नंबर वन ट्रेंडिंग में हम लोग का कर सकते हैं ट्वीट रहे, ठीक है? चलिए, तो इसके बारे में डिटेल हम एक वीडियो छोटा सा क्लिप आपको दे देंगे कैसे आपको कल 5 सितंबर को 11 बजे दिन से ट्विटर पे कैंपेन जोर तोर से करना है। बाकी आज जो है हम डिस्काउंट चैप्टर आपके सामने यहां पर दिख ही रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को हम खत्म कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। और इसके बाद जो है इसी का साथी कौन है, डिस्काउंट है। तो आज की क्लास में हम डिस्काउंट देखने वाले हैं और डिस्काउंट का आज होगा आपका पहला लेक्चर। और देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इतना ये बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा चैप्टर है, मतलब कुछ लेक्चर में ही ये बहुत बेहतरीन ढंग से समाप्त हो जाएगा और इसको हम पढ़ाएंगे एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या जो प्रश्न आने की संभावना है, वो सारी टाइप के प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एडवांस मैथ का जो बैच मैंने 8 सितंबर से सुबह 8 बजे ला रखा है, उसमें सिर्फ नामांकन कितने रुपए में हो रहा है आपका, 500 रुपए में हो रहा है। और ये बैच जो है आपका अंकुश मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस पर चलेगा। तो आप सारे विद्यार्थी जिनको एडवांस मैथ से डर लगता है एडवांस का प्रश्न हमसे नहीं बनेगा या एग्जाम में प्रश्न छूट जाता है, तो उन सारे विद्यार्थी इस बैच को अवश्य ज्वाइन करिए। और देखिए, फी तो खैर ज्यादा है, लेकिन अभी जो है स्थिति लोग का कुछ उतना बढ़िया है नहीं और शिक्षक दिवस कह सकते हैं एक बहाना है, और उसी के माध्यम से मैं आपके लिए ये बैच का सिर्फ और सिर्फ फी रखा है, कितना, 500 रुपए। और इसमें कंटेंट बहुत सारा है, कुछ लोग को ये ज्यादा लग रहा है और वो शायद कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे से। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो शिक्षक गण होते हैं वो एडवांस मैथ के अंतर्गत बस 3 ही 4 टॉपिक कराते हैं, ट्रिगोनोमेट्री मेजर वाला, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, बस यही 4 चीजें होता है, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, बस यही 4 चीजें उनका होता है। लेकिन आपको मैंने कल वीडियो एक दे रखा है, आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने सिलेबस दिया है,
मतलब वो चार चीजें मैं कराता हूं, मैं यहां पर कुल मिला के 10 टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, तो उसके लिए फी बहुत ही कह सकते हैं कम है, है ना। और पूरे बेसिक लेवल से कह सकते हैं हाई लेवल तक मैं इसको पढ़ाऊंगा, और ये बैच बिल्कुल फाउंडेशन की तरह होगा। क्या होगा? मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको सिखाया, याद करिए, उसी तरीके से मैं एडवांस के हर चैप्टर को बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार से सारे विद्यार्थी को सिखाऊंगा, ठीक है। तो एडमिशन इसमें स्टार्ट है। अगर मान लेते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आप ये नंबर पर बात कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर यहां पर ये है और दूसरा नंबर यहां पर ये है, ठीक है। बाकी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पुरुषोत्तम एडवांस का फी कम करिए। देखो भाई, मैं आपको बता दूं पुरुषोत्तम जी, एडवांस की जो क्लासेज है उसका ड्यूरेशन आपका होगा 4 महीने आपका होगा। क्या होगा आपका? 4 महीने, हो सकता है आपका कुछ दिन ज्यादा ही चला जाए। तो ये लगभग आपका 100 रुपए के आसपास में मंथली आपका पड़ता है। 4 महीने ज्यादा जाएगा, 100 रुपए के आसपास में मंथली पड़ता है। और क्लासेज जो है हम 1.25 घंटा डेली लेंगे, 8 बजे से लेकर के आपका 9:15 तक लेंगे। तो देखो यार, 1.25 घंटा हम डेली पढ़ाएंगे तो महीने का 100 रुपए के आसपास में बहुत ज्यादा फी नहीं है। ये आपकी सोच है, आप मन से जो है इस चीज को निकाल दीजिए और देख लीजिए, 1.25 घंटा डेली के हिसाब से 1 महीने का फी 100 रुपए के आसपास में ज्यादा नहीं आपका है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह जो भी है हर चीज इंक्लूड है आपका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, और आप इतनी कम कर सकते हैं मिनिमम फी में, पूरे एडवांस मेथड आप सीख लीजिएगा। आप इस चीज को देखिए, बी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आज हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले तो सारे विद्यार्थी यहां पर टॉपिक बना लीजिए, डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं छूट बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसको आप बट्टा बोलते हैं, ठीक है। आप डिस्काउंट को क्या बोलोगे यार? छूट बोलोगे या बोलेंगे, या फिर आप क्या बोलेंगे इसको? बट्टा बोलेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सारे विद्यार्थी यहां पर सुनिएगा, ध्यान से सारे विद्यार्थी यहां पर क्या करेंगे, सुनेंगे, सब लोग सुनिएगा। देखिए सबसे पहली चीज, आप थोड़ा बचपन को याद करिए। आप अपने पापा के साथ एक दुकान में गए और आपने जिद किया, पापा हमें ये शर्ट चाहिए, हमें ये शर्ट चाहिए। बच्चा है, बचपना है, जिद तो करेगा ही। तो देखा क्या गया ना कि उस शर्ट पे जो है 1000 रुपए जो है वो लिखा हुआ था। उस शर्ट पे कितना लिखा हुआ था? 1000 रुपए लिखा हुआ था। आप और अपने पापा जी दोनों लोग मिलकर के बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया कि नहीं भैया, ये और कुछ कम कर दो, और कुछ कम कर दो, और कुछ कम कर दो। और फाइनली उसे भी दुकान चलाना है, उसे भी कस्टमर बनाना है, तो वो क्या किया, फाइनली जो है वो शर्ट जो है आपको 700 रुपए में क्या किया, दे दिया, ठीक है। देखो यार, ये शर्ट पर 1000 रुपए लिखा हुआ था, तो ये आपका हो गया मार्केट प्राइस, हो गया क्या, हो गया एमपी मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु पर जो जितना रकम लिखा रहेगा वो कहलाएगा एमपी, याद रखना है, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। और देखिए आपको 700 रुपए में क्या किया, बेच दिया, 700 रुपए में आपको दे दिया, तो ये आपका 700 क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस हो गया। और ये सेलिंग प्राइस किसका हो गया, तो दुकानदार का हो गया। आपने खरीदा तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन दुकानदार बेचता है 700 रुपए में, तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए बिल्कुल हम जीरो लेवल समझा रहे हैं, ताकि हर विद्यार्थी से आज के बाद ये चैप्टर करने के बाद क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। चलिए यहां पर इसके बाद सुनिए, 1000 रुपए में, 1000 रुपए उस शर्ट का मार्केट प्राइस था, और 700 रुपए में क्या किया, उसको सेल कर दिया, ठीक है, 700 रुपए में उसको बेच दिया। तो बताओ यार, कितने रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, कितना रुपया कम में बेचा? तो आप कहोगे सर 300 रुपया वो छोड़ दिया, 300 रुपया छोड़ दिया। तो जितने रुपए छोड़ दिया वही समझ जाओ यार, वही क्या है आपका, डिस्काउंट है। जितना रुपया छोड़ दिया आप समझ जाइए वही क्या है आपका, डिस्काउंट है। तो याद रखना है, डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, एमपी में से एसपी को क्या करेंगे, घटा देंगे। याद रखना भाई ये सारे के सारे लोग, एमपी में से अगर हम एसपी को घटा देंगे, 1000 में से 700 घटा देंगे, तो डिस्काउंट मिल जाएगा,
ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर मान लेते हैं आपसे पूछ देगा कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो डिस्काउंट कितना मिला सर, तो डिस्काउंट मिला आपका 300, उसको कहां लिख देंगे ऊपर, और डिस्काउंट मिला किस पे, एमपी पे मिला, तो जिस पे डिस्काउंट मिलता है उसको कहां लिखते हैं नीचे, तो एमपी को लिख देंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी 30% आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। देखो रुपए में हो गया 300 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन ये कितना परसेंट है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए याद रखिएगा क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो डिस्काउंट जितना रुपए में होगा उसको लिख देंगे ऊपर और नीचे में लिख देंगे मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए इतना आपने बार्गेनिंग किया तब जाकर के वो 700 रुपए कर दिया, मतलब दोनों के डिफरेंस 300 रुपए, यही कहलाएगा डिस्काउंट। परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट और नीचे में एमपी। आज के बाद याद रखना है जब परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस निकालते थे तो नीचे में हम लोग सीपी लिखा करते थे, लेकिन डिस्काउंट परसेंट जब निकालना रहेगा तो नीचे में एमपी लिखेंगे। ये बात एक क्लियर है आपका, चलिए उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी इस चीज को समझ चुके हैं। तो याद रखिएगा डिस्काउंट निकालना रहेगा तो एमपी में से एसपी घटाइएगा, और डिस्काउंट परसेंट निकालना रहेगा तो डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एमपी आपका, ठीक है। चलिए और यहां पर हम कुछ बातें देखते हैं, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। देखो भाई सारे के सारे लोग एकदम कॉपी में नोट करते जाएंगे। अब सुनिए यहां पर आप सीखिए एक दूसरा टॉपिक कह सकते हैं रेशियो बनाना। सबसे पहली चीज यहां पर आप रेशियो बनाना सीखिए, रेशियो बनाना सीखिए। जैसे मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, किसी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, यहां दे देगा 20% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। मान लेते हैं 20% डिस्काउंट दिया है, अब हमको रेशियो बनाना है, तो यार आप ये समझ जाओ कि 20% की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/5 होता है। 20% की वैल्यू कितना होता है 1/5। अब आप बताइए सर कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, बोलिए सर डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जल्दी के जल्दी से सारे लोग बताएंगे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो एमपी पर दिया जाता है, मैंने अभी बताया है। इसका मतलब ये जो परसेंट डिस्काउंट को भिन्न में, तो उस भिन्न का जो हर होगा डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा एमपी होगा, याद रखना है। और देखिए ये 20% का डिस्काउंट है तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका डिस्काउंट कहलाएगा, याद रखना भाई 20% की भिन्न में वैल्यू 1/5 और डिस्काउंट है तो नीचे वाला हमेशा एमपी होगा। अब सुनिएगा अगर आपसे पूछ देगा कि एमपी और एसपी का रेशियो क्या है, तो कुछ नहीं करना है, एमपी कितना है सर 5 है, अंकित मूल्य कितना है 5 और डिस्काउंट दिया गया कितने का 1 के, 5 में 1 का डिस्काउंट दिया गया मतलब बेचा गया कितने में 4 में। तो याद रखना है रेशियो आप इस ढंग से क्या करेंगे बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं दे देगा 14.2/7% अगर डिस्काउंट दिया हुआ है और हमको रेशियो बनाना है फिर से किसका, वही एमपी और एसपी का, तो फट से बता दो इसकी वैल्यू भिन्न में कितना होता है 1/7, इसे पढ़ा चुके हैं परसेंटेज में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के पहले क्लास में। अब देखो डिस्काउंट है तो नीचे वाला एमपी हो जाएगा 7 और 7 में 1 अंक मिला मतलब बिकेगा कितने में 6 में, ठीक है। अगर इसी में हम एक चीज और लगा दे कि आप सर डिस्काउंट का भी रेशियो बताइए, तो डिस्काउंट कितना है ऊपर वाला 1 है तो यहां पर क्या लिख देंगे अनुपात में 1, यानी एमपी 7 एसपी 6 और डिस्काउंट 1 के रेशियो में आपका हो जाएगा, क्लियर है बात। अगर मान लेते हैं आपसे हम ये कह दे, अगर आपसे हम ये पूछ दे कि सर 16.2/3% आपका डिस्काउंट है, तो बताओ यहां पर रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू भिन्न में कितना होता है 1/6 होता है, मतलब अंकित मूल कितना 6, ठीक है, और 1 का छूट मिला तो बिकेगा कितने में 5 में। अगर प्रॉफिट की बात करें, सॉरी प्रॉफिट नहीं, क्या डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1, तो ये रह गया आपका एमपी एसपी और डिस्काउंट का रेशियो रह गया। तो उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी जो है इस चीज को बहुत आसानी से समझे होंगे, ठीक है। चलिए अब चीज को आप आगे समझिएगा, आप चीज को यहां पर आगे समझेंगे यहां पर, ठीक है। सुनिए अब देखिए आप बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि एसपी बराबर अगर निकालना था, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीपी इंटू मैंने क्या कहा था होल वैल्यू का सीधा गुणा,
ठीक है, जब एसपी निकालना रहेगा तो सीपी में क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, और फिर जब सीपी निकालना रहेगा तो एसपी में हम क्या करेंगे, तो भाई होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे, याद है सारी चीज। तो ये चीजें मैंने आपको किसमें बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था, ठीक है। ठीक इसी तरह इसको आप हटा दीजिए, इसको आप यहां पर आप साइड कर दीजिए, ठीक इसी तरह की बातें आप यहां पर ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लेते हैं आपको सेलिंग प्राइस कभी निकालना रहेगा तो मार्केट प्राइस में, दो ही चीज तो है, अंकित मूल्य छोड़ दे दीजिए तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस अंकित मूल्य में क्या करना है, सेम सेम होल वैल्यू का क्या करना है, सीधा गुणा, सीधा गुणा। और अगर मान लेते हैं कभी एमपी निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, एसपी में, एसपी में क्या हो रहा था, होल वैल्यू का उल्टा, यहां भी हम कर देंगे होल वैल्यू का उल्टा गुणा, ठीक है, होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। तो ये चीजें आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान में रखना है। लेकिन ये क्या है, तो डिस्काउंट के केस में, ये है डिस्काउंट के केस में, याद रहेगा। यहां सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते थे, सीधा गुणा, यहां भी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम सीधा गुणा ही करेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना हो सीधा गुणा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का केस हो या डिस्काउंट का केस हो, और सीपी निकालना था तो उल्टा गुणा, उसी तरीके से यहां एमपी निकालना रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। अब देखो भाई, याद हो गया होगा उम्मीद है सारे विद्यार्थी को, अब होल वैल्यू क्या होता है, तो वैसे मैं बता रखा है लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए, 14.27% अगर डिस्काउंट लिखा हुआ है तो होल वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले इसका मान भिन्न में कितना होगा, 1/7, और हमको क्या लिखना है, होल वैल्यू लिखना है, क्या लिखना है, होल वैल्यू। अब देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, चीजें कम हो जा रहा है, डिस्काउंट देने पर वस्तु की चीजें क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, मूल्य कम हो जा रहा है, तो यहां पर हम माइनस कर देंगे, तो 7 में से 1 घट जाएगा, कितना, 6/7 हो जाएगा, क्लियर है बात। मान लेते हैं अगर दिया रहेगा 25% अगर डिस्काउंट कभी दिया रहेगा तो 25% की वैल्यू 1/4 होता है, अगर होल वैल्यू लिखना रहेगा तो माइनस कर देंगे और 3/4 क्या हो जाएगा, होल वैल्यू हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब प्रॉफिट होता था तो जोड़ के लिखते थे होल वैल्यू, और लॉस होता था तो घटा के, तो लॉस में क्या होता था, चीजें कम हो जाता था, और डिस्काउंट में भी क्या होता है, चीजें कम हो रहा है, डिस्काउंट में भी चीजें कम हो रहा है, डिस्काउंट में भी चीजें कम हो रहा है, इसलिए यहां भी होल वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी जो है होल वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये हो गया 6/7 हो गया, घटा करके लिखे 6/7, होल वैल्यू का क्या हो गया, सीधा, होल वैल्यू का क्या होगा, सीधा। अगर कहीं उल्टा गुणा करना रहेगा तो 7/ क्या कर देंगे, 6। ये आपका होल वैल्यू क्या हो गया सर, सीधा हो गया 3/4, अगर कभी उल्टा कहेगा होल वैल्यू का उल्टा तो इसको उलट देंगे 4/3 बोल देंगे, ठीक है, क्लियर है बात, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, देखो भाई इसके बाद यहां पर एक बार सारे के सारे लोग थोड़ा दबा करके शेयर करिए, सरोज कुमार सिंह जी, उमा शंकर जी, सतीश जी, रंजन, सोनू चौरसिया जी, आयुष कुमार सिंह जी, सतीश जी, सुधांशु जी, रवि कुमार रंजन जी, सर अर्थमेटिक का न्यू पैड बैच, क्या बोल रहे हैं भाई, न्यू एमकेएस म्यूजिक बिहार अर्थमेटिक का न्यू बैच। देखो भाई पहले एडवांस जो आया है इसमें आप ज्वाइन कर लो, फिर अर्थमेटिक हम लाएंगे तो उसमें आप शामिल हो जाइएगा, ठीक है, एडवांस वाला पैसा उसमें नहीं लगेगा अर्थमेटिक में। चलिए तो आप सारे के सारे विद्यार्थी एक बार थोड़ा दबा करके आप शेयर करिए, ठीक है। और देखो भाई कुछ लोग के मन में ये चीजें बैठ गया है, मैं आपको बता दूं कि बस अभी कैंपेन चलाओ, खूब ट्वीट करो, तो ट्वीट ऐसा भी नहीं करना है कि दिन भर में आपका 20 को 25 को करना है, वो तुरंत आपका ब्लॉक कर देगा। बहुत लोगों का शिकायत है सर मेरे ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया है, तो घंटे में यार 4-5 बार करोगे तब तो ब्लॉक करेगा ही करेगा, उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन होता है, ठीक ना। तो बार बार मत करिए, आप मतलब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए, आपके सर्किल में आपके दोस्त जितना ज्यादा से ज्यादा हैं उन सब लोग से करवाइए, इनकी आप खुद बार बार करिए, फिर ब्लॉक कर देगा तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बात समझ पा रहे हैं, थोड़ा कैमरा डिस्चार्ज है, चार्जिंग लगा दी, ये बात आपका है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप लोग कैंपेन भी करिए, अपनी हक की लड़ाई आप लड़िए भी, मैं आपके साथ हूं और मैं भी कर रहा हूं। और दूसरी नंबर चीज है, आपकी जो पढ़ाई है वो भी रुकना नहीं चाहिए,
पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रखिए। ये बेवकूफी है, जैसे कुछ लोग बस एकदम लगे हुए कि सर अभी चार दिन दस दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अभी लगे हुए हैं। तो ऐसा थोड़े है कि आपको दिन भर जो है आपको वायरल ही करना है, आपको हैशटैग को ट्रेंड ही करना है दिन भर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप पढ़ाई भी करिए, ये बहुत बड़ी बेवकूफी आपका है, पढ़ाई भी करिए। देख रहे हैं गवर्नमेंट धीरे धीरे सारी शर्त को मानते जा रही है, कुछ ना कुछ हम लोग के हित में सरकार दे रही है, और इसी तरह का जारी रहा तो आगे हम लोग की जीत होगी, है ना। लेकिन पढ़ाई को मत हटाइए और जम करके पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ, ठीक है। चलिए रुपेश जी, अर्थमेटिक का बैच लाइए, आएगा एडवांस पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, स्टडी इज कंपलसरी, एकदम भाई कंपलसरी है, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, एकदम बहुत जरूरी है। चलिए यहां पर आगे जरा ध्यान दीजिए, जैसे आप एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं कोई कपड़े के दुकान में आप जाते हैं, कोई मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, जैसे कहीं कहीं तो ये लिखा रहता है 30% अभी ऑफ चल रहा है, मतलब 30% डिस्काउंट चल रहा है, कहीं कहीं कहता है फ्लैट डिस्काउंट है, फ्लैट डिस्काउंट, और वहां पे लिखा रहता है, जानते हैं कुछ इस तरह का लिखा रहता है, कुछ इस तरह का लिखा हुआ रहता है कि बाय थ्री और गेट वन फ्री। बात को समझ रहे हैं, फ्लैट डिस्काउंट में ये इस तरह का आपका सेंटेंस लिखा रहता है, बाय थ्री गेट वन फ्री, इस तरीके से लिखा रहता है, मतलब तीन खरीदो और एक फ्री पाओ। तो वैसी स्थिति में कह सकते हैं डिस्काउंट का परसेंट कितना हो जाएगा, वैसी स्थिति में आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, ये चीज अगर आपको पता करना है तब क्या करेंगे। तो देखो भाई, डिस्काउंट यहां पर कितना मिल रहा है, सर एक मिल रहा है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है एक, तो जितना वस्तु आपको फ्री में मिल रहा है उसको ऊपर चढ़ा देना है, और डिस्काउंट परसेंट मैंने अभी सीखा है डिस्काउंट इंटू 100 और अपॉन में एमपी, एमपी बोले तो मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस जो है तीन होगा कि चार होगा, तो तीन प्लस एक चार हो जाएगा आपका, यानी आप ये समझ जाइए कि पूरे तीन और एक चार वस्तु में एक वस्तु आपको फ्री मिल रहा है। तो परसेंट डिस्काउंट निकालने के लिए वन को ऊपर लिखेंगे और एमपी के जगह पर दोनों को जोड़ के लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। कुछ लोग का आंसर यहां पर ये आया है 1/3 × 100 33.1/3%, कि सर तीन ही तो खरीदे और एक हमको फ्री मिल गया, तो 1/3 × 100 33.1/3, एकदम गलत जवाब है, 33.1/3% आपका रॉन्ग आंसर है। यहां पर एमपी के जगह पर 3+1 4 लेंगे यहां पर। अगर मान लेते हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक आप उदाहरण आप हमें बताओ, इससे आप शायद समझ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं किसी दुकान में लिखा रहेगा buy one get one free, अगर ऐसे कहीं किसी दुकान में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यार 33.1/3% के हिसाब से आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक और बट्टा में कितना एक और गुणा कितना 100, इसका मतलब कितना 100% डिस्काउंट है आपके हिसाब से। जो लोग 33.1/3% सोच रहे हैं, 1/3 × 100 सोच रहे हैं, उनके हिसाब से इसमें क्या होगा, 1/1 × 100 मतलब डिस्काउंट कितना आ गया यार 100% डिस्काउंट। अब बताओ किसी दुकान में अगर 100% डिस्काउंट अगर देगा तो हम काहे एक शर्ट खरीदेंगे, बोलेंगे दुकाने दे दो पूरा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर 100% डिस्काउंट अगर कोई दुकानदार दे रहा है, इसका मतलब बोलेंगे सीधे दुकाने हमको दे दो, एक खरीदे और उस पर एक फ्री, एक खरीदे एक फ्री। तो अगर परसेंट डिस्काउंट निकालना हो तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, नीचे में हमेशा क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके हैं। जैसे मान लेते हैं इस ढंग से दिया हुआ रहेगा बाई फोर और फिर यहां पर रहेगा गेट वन फ्री रहेगा। अगर यहां पर बोल देगा कि डिस्काउंट परसेंट बताओ तो कुछ नहीं, वन फ्री मिल रहा है ऊपर लिख देंगे, नीचे में जोड़ करके 4 × 5 और गुणा कितना 100, उत्तर कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। किसी को डाउट है? चलिए अच्छी बात है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, एमपी लिखना है, दोनों को जोड़ देंगे। अब जैसे देखो भाई, अगला टर्म आता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमागत बट्टा। अब कहिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है,
तो सारे लोग यहां पर ध्यान सुनिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है सब लोग ध्यान समझिएगा। जैसे आप इस ढंग से समझ लीजिए कि एक गांव का कह सकते हैं लोकल मार्केट का एक दुकानदार है, अपने यहां जो है वस्तु क्या करता था, जैसे जितना रुपया लिखा है उतना ही पर वो बेचता था, गांव का दुकानदार, ठीक ना। एक दिन क्या किया, अचानक कह सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदने शहर आ गया, तो शहर में उसने क्या देखा, शहर में उसने ये देखा कि किसी वस्तु पर 70% और 30%, 70% और 30% का दो डिस्काउंट मिल रहा है। उसने शहर में क्या देखा कि 70% और 30% का दो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब वो यहां पर क्या किया, बात नहीं किया कि रियल में ये माजरा क्या है ये 70% और 30%। उसने सीधे अपना गांव गया चीज को खरीद करके, और गांव में जाकर के अपने स्टाफ को बोल दिया, दुकान के स्टाफ को, कि देखो भाई अब जो भी ग्राहक आया ना उसको 70% और 30% का डिस्काउंट देना, दो डिस्काउंट देना। चला गया वो मकान मालिक, वो आपका दुकान मालिक था वो। अब जब शाम को पैसा इकट्ठा करने आता है तो उसको ये पता चलता है कि मेरा जो स्टाफ था वो सारा का सारा सामान बेच दिया और रुपया जो है कुछ नहीं कमाया। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टाफ दुकान स्टाफ क्या समझ लिया कि अरे मालिक तो बोला है 70% और 30% का छूट देने के लिए, तो 70 और 30 कितना 100, मतलब हमको 100% छूट देना है, पूरा का पूरा छूटे दे देना है, दे दो ऐसा ही सामान, पूरा दुकान खाली होगा, एक भी रुपए इनकम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि 70% और 30% का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि 70+30 आप 100 कर दोगे, याद रखना है, ये याद रखना है 70% फिर 30%, तो ऐसा नहीं कि 70-30 100% का डिस्काउंट, 100% इज द राइट रॉन्ग आंसर, बातें कुछ और यहां पर होंगी। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सुनिएगा। देखिए यहां पर 100 रुपए मान लेते हैं अंकित मूल है, और 70% का डिस्काउंट दिया गया, 70% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसके बाद कह सकते हैं कितना बच गया, 30 बच गया। इसमें 70 का आप डिस्काउंट दीजिए ना, -70% करिए तो कितना बच गया, 30 बच गया। अब यहां पर जो बचा उस पर जो है आपका 30% का फिर से डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब 30 पर 30%, तो 30 पर 30% कितना होगा 9, 10% की वैल्यू 3, तो 30% की वैल्यू 9, और 30 में से 9 घटा देंगे 31%। इसका मतलब आपको क्या लगा कि 100 रुपया वस्तु का अंकित मूल था और 70% छूट दिए, तो बिक रहा है कितने में, या प्राइस घट के कितना आ गया 30 रुपया, फिर इस पे जब 30% का छूट दिए तो प्राइस आ गया घट के कितना 21, और बेचा यहां पर कितना में 21 में बेचा। तो रियल माजरा जो है यहां पर आपका ये है, रियल माजरा जो है यहां पर ये है, 100 का सामान था लेकिन दो बार जब डिस्काउंट दिए फिर भी बिका कितने में 21 में, और सीधे जोड़ दीजिएगा तो बिकेगा एकदम क्या जीरो पर, कोई फायदा यहां पर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें को आप क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि आपको डिस्काउंट कितने का हुआ, आपको यहां पर सक्सेसिव जो है डिस्काउंट कितने का हुआ, तो आपने अभी देखा कि 100 की वस्तु था और फाइनली दो बार में बिका कितने में 21 में बिका, 100 की वस्तु था और फाइनली दो बार में कितने पर बिका 21 पर, तो 100 से 21 कितना कम है 79 कम है जी, तो 79% आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 79% जो है आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 100 की वस्तु है और जब दो बार इस पर डिस्काउंट देके बिका कितने में 21 में, तो 100 से कितना कम में बिका 79 में, यानी 79% इज द डिस्काउंट, ठीक है। अब चलिए देखिए और काफी सारा तरीका है, जैसे मान लेते हैं 70% और 30% यहां पर दिया हुआ है, और 70% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका यह हो सकता है कि 70% यहां पर डिस्काउंट है तो एक जगह हम लिख देंगे ऐसे एमपी और दूसरे जगह लिख देंगे एसपी, अंकित मूल और यहां लिख देंगे विक्रय मूल। अब बताओ यार 70% को हम क्या बोलेंगे, 7/10 बोलेंगे, इस मन में भी सोच सकते हैं 30% की वैल्यू कितना 3/10। अब देखो यार 70% की वैल्यू 7/10 जो है डिस्काउंट दिया गया, इसका अर्थ यह है कि 10 अगर अंकित मूल है तो बिका कितने में 3 में,
अरे क्लियर है, 10 अंकित मूल्य 7 का डिस्काउंट तो बिका 3 में। फिर सुनिए, 10 अंकित मूल्य और 3 का डिस्काउंट तो बिका कितने में? 7 में। अब कुछ नहीं, यहां पर गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 100, और यहां भी गुणा कर दीजिए कितना 21। अब सोचो यार फाइनली क्या हुआ, ये हो गया आपका फाइनली, ये हो गया फाइनली, फाइनली छपा हुआ था कितना 100, और फाइनली बिका कितने में 21 में, तो 100 से 21 कितना कम है 79, यानी हम बोलेंगे 79% द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये 79% क्या, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, समतुल्य छूट, समतुल्य छूट, या फिर कह सकते हैं एकल छूट, या फिर कह सकते हैं अकेला छूट। मतलब एक ऐसा डिस्काउंट मिल गया ना जो ये दोनों के बदले अकेला है, ये दोनों के बदले अकेला ये है। तो एक प्रोसेस आपका ये हो सकता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशियो का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मिथिलेश कुमार जी न्यू बैच कब आएगा सर? देखिए एडवांस मैथ का मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा हूं, और बैच जो है 8 सितंबर से सुबह 8 बजे आ रहा है। देखिए जिनको हमसे पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है, वो आप एडवांस का जो बैच 8 सितंबर से आ रहा है उसमें आप पहले शामिल हो जाइए, फिर हम जो बैच लाएंगे उसमें आपका एडवांस का फी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर जो बैच हम लाएंगे और जिनका एडमिशन एडवांस वाले बैच में रहेगा उनका फी जो है उस वाले बैच में एडवांस वाला नहीं लगेगा, एडवांस की जितना फी है वो चीजें लेस हो जाएगा और बाकी आपका लगेगा। इसलिए आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है? नहीं। और मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, और मैं कुछ प्रश्न लेता हूं, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। जैसे देखो यार, मान लेते हैं क्वेश्चन मैंने यहां पर ये ले लिया, यहां पर दे दिया आपका 12.12% फिर इसके बाद यहां पर दे दिया 10%, और यहां दे दिया फिर कितना 25%, और बोल रहा है कि इसका सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा आपको बताना है। देखो भाई सारे के सारे लोग बताएंगे यहां पर, चलिए 12.5%, 10% और 25%, यहां पर तीन दे रखा है, और तीनों के बदले कह सकते हैं तीनों का एक सक्सेसिव डिस्काउंट आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो भाई सक्सेसिव यहां पर आप नहीं बोल सकते, सक्सेसिव का मतलब अलग होता है, इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य मतलब ये तीनों के बदले एक छूट आपको लिखना है। तो वही प्रोसेस लगा दीजिए, बोलिए 12.5% की वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है, 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, 25% की वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। अब ध्यान सुनेंगे सारे के सारे लोग, 1/8 का डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है कि 8 में 1 का छूट मिलना तो बिकेगा कितने में 7 में, फिर 10 में 1 का छूट मिलना तो बिकेगा कितने में 9 में, और 4 में 1 का छूट मिलना मतलब बिकेगा कितने में 3 में। ये इस तरफ क्या हो गया सर एमपी हो गया, और इधर क्या हो गया आपका एसपी हो गया। क्लियर है, अब क्या करेंगे सबके सबको गुणा कर देंगे, सारे के सारे को गुणा करेंगे, और यहां पर हम फाइनली लिखेंगे कि फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, ये चीजें हम यहां पे लिखेंगे। तो आप सारे लोग क्या करिए यहां पर गुणा करिए। देखो यार एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना कि देखिए इसके गुणनफल में और इसके गुणनफल में अगर कुछ कॉमन है, इसमें भी है चीजें और वो चीजें इसमें भी है, तो आप काट सकते हैं, वो ऐसा करने से थोड़ा छोटा हो जाएगा और कैलकुलेशन जल्दी होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा, 8 × 32 × 10 कितना 320, और यहां पर कितना 7 × 21 और 21 कितना होता है जी 189। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनली जो है वो एमपी मेरा आ गया 320, और फाइनली सेलिंग प्राइस कितना आ गया 189 आ गया। अब हमसे डिस्काउंट का परसेंट बोल रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो देखिए इससे कितना कम है। अरे मैंने अभी सिखाया ना कि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी और एसपी के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्काउंट जो होता है वो एमपी और एसपी के बीच का डिफरेंस होता है। तो आप घटाइए कितने का डिफरेंस है, देखो यार ये कितना हो जाएगा आपका 90, तो 10 इधर और 120 उधर, यानी 130 और शायद 131 हो जाएगा, होगा जी 131 होगा,
डिस्काउंट और गुणा में कितना 100 और नीचे में यहां पर अंकित मूल्य क्या लिख देंगे 320 लिख देंगे। अब देखो यार 20 से कट जाएगा 5 बार में और 20 से कट जाएगा यहां पर 16 बार में। अब यहां पर इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा उतना परसेंट आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर प्रोसेस को सीखिए, आप यहां पर प्रोसेस को सीखिए। कितना आ रहा है जी? चलिए अच्छी बात है, जो भी आ रहा है आप कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए इतना जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है ये सारा कंसेप्ट आप क्या करिए ध्यान में रखिए, और यही हम कह सकते हैं डिस्काउंट का जो है आपका बेसिक बातें हैं। डिस्काउंट का बेसिक बातें जो है इतना ही है जो मैंने आपको अभी के क्लास में मैंने आपको कराया, यहां पर अभी के क्लास में अभी तक मैंने जो कराया है यही डिस्काउंट की बेसिक बातें हैं, आपका पकड़ है। अब हम क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कराएंगे और साथ साथ उसका हम कंसेप्ट भी आपको सिखाएंगे, फिर देखिएगा क्वेश्चंस कितना आसानी से धड़ाधड़ जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। देखो भाई आज का ये पहला क्वेश्चन है, आज का ये पहला क्वेश्चन है और सारे विद्यार्थी यहां पर क्या करेंगे ध्यान देंगे, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे और आंसर भी बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, तो वही चीज ना हो गया जी, वही चीज ना हो गया कि 27 और फिर क्या हो गया आपका गेट 2 फ्री, है ना, 27 गेट 2 फ्री, मतलब 7 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ। तो बोल रहे डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो मैंने अभी तो सिखाया है इस तरह की बातें कि जितना वस्तु मिलेगा उसको लिख देंगे ऊपर और नीचे में जोड़ के लिखेंगे एमपी, 7 + 2 = 9 और गुणा में कितना 100, आंसर हो जाएगा 22.2/9%। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% कितना 35% और फिर कितना 12% की छूट प्राप्त करता है, तुल्य समतुल्य एकल छूट कितना होगा, समतुल्य छूट कहिए या एकल छूट कहिए, मतलब ये हुआ कि दोनों के बदले एक वो अकेला छूट आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। बोलो 35% की छूट है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, बोलिए ना जी 35% का मतलब कितना हो जाएगा, 35/100 होगा जी, या फिर इतना क्यों लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे लिखिए कि 100 अगर अंकित मूल्य है और 35 का छूट मिल रहा है मतलब बिके कितने में 65 में, यही ना होगा। अब फिर देखिए 12% की छूट है इसका मतलब क्या है कि 100 अगर अंकित मूल्य है और 12 का छूट तो बिके कितने में 88 में। याद रखना है भाई मेरे, ये आपका अंकित मूल्य है और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या करना होता है, फाइनली लिखना होता है, फाइनली फाइनली मतलब ओवरऑल दोनों पर मिला करके क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो इसको आप काट सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं अगर कुछ कट रहा है। देखिए 5 से ये 20 बार में है और 5 से कितने बार में, ये 13 बार में। देखो यार 4 से कटेगा कितने बार में 25 बार में और 4 से कितने बार में 22 बार में। अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद रहेगा ना, अरे सिंपल चीज यार 35% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 100 रुपए अगर छपा हुआ है और 35 का डिस्काउंट मिल गया तो घटाइए 35 मतलब बिक रहा है 65 में। 12% डिस्काउंट देने का अर्थ क्या है कि 100 रुपए अगर छपा हुआ है और 12 का डिस्काउंट घटाइए तो बिक रहा है 88 में। तो आप यहां पर छोटा करिए, यहां भी छोटा करिए। एक बात मैंने अभी और आपको बताया, शायद आपको याद नहीं है मैंने क्या कहा है कि अगर इसमें और इसमें गुणा करना है ना, इसको गुणा करके यहां लिखना है, इसको गुणा करके यहां लिखना है, अगर इसमें इसमें कुछ कॉमन है तो आप पहले ही काट लीजिए ताकि जितने छोटा होगा ना उतने कैलकुलेशन में आपको सहूलियत होगा, जितना छोटा आएगा न्यूमेरिकली वैल्यू उतना ही सहूलियत होगा। कुछ नहीं, देखो यार 2 से मैं देख रहा हूं यहां कट रहा है और 2 से देखिए यहां कट रहा है 10 बार, अरे गुणा हो गया दोनों तो एक ही ना बन गया, इससे इसको काटिए कि इससे इसको काटिए, बात बराबर है, और कुछ कट रहा है इसमें नहीं कट रहा है। देखिए 25 दाहों को कितना 250 और यहां पर कितना 143 आपका है। ठीक है, अब यहां पर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 250 से ये कितना कम है बता सकते हैं, 100 कितना कम है जी 107 शायद कम है, तो डिस्काउंट गुणा 100 और बटा में अंकित मूल्य कितना 250, तो 50 से 2 बार में 50 से 5 बार में। अब क्या करना है, तो 107 को 2 से गुणा करना, 214 में 5 से भाग देना है,
214 में 5 से भाग देना है तो 42.8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम विद्यार्थी आंसर बता रहे हैं। किसी को डाउट है भाई? किसी को कोई डाउट है? एक बार बता देंगे सब लोग। किसी को कोई डाउट है? हाँ, 107 बटा 250 गुणा 100। सतीश जी एकदम राइट बात है। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है। तब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ऑफलाइन में जो पेड किए हैं उसका क्या होगा सर? क्या होगा? ऑफलाइन क्लासेज खुलेंगी तब हो जाएगा, ठीक है? काहे घबरा रहे हैं आप? बाकी कॉल करके बात कर लेंगे आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आज का, और सब लोग जल्दी से, सारे विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। सारे विद्यार्थी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देखिए इसका आंसर बताएंगे सारे के सारे लोग। इसकी वैल्यू सबसे पहले भिन्न में कितना होता है सर? 2/9 होता है, ठीक है? चलिए सरोज जी बोल रहे नींद लग रहा है यार, जाके सो जाओ, ठीक है, बाद में देख लेना। चलिए यहां पर आप आ जाइए, इसकी वैल्यू भिन्न में कितना होता है? तो 1/7 होता है, 1/7 होता है। इसकी वैल्यू कितना होता है सर जल्दी बताइए? 1/16 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर ये सारा परसेंटेज की वैल्यू भिन्न में आपको याद रहना चाहिए। अब कह रहे 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर? ये तीनों का जो है सक्सेसिव है, डिस्काउंट किस एकल छूट के बराबर है? तो चलिए आप सारे विद्यार्थी जल्दी सेट करेंगे। 9 अंकित मूल है, 2 का छूट मिला मतलब बिकेगा 7 में। 7 अंकित मूल है, 1 का छूट मिला तो बिकेगा 6 में। 16 अंकित मूल है और 1 का छूट मिला तो बिकेगा 15 में। अब देखो यार यहां पर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि अगर इसमें और इसमें गुणा करके यहां पर लिखना है, गुणा करके फाइनली जो है यहां पर लिखना है, फाइनली यहां पर लिखना है। और इसमें कोई चीज ये कॉमन है, अगर कट रहा है तो काट सके। मैं देख रहा हूं ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, जितना हो सके आप काटिए। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए सब लोग, ये कह सकते हैं 2 से कटेगा कितने बार में? 3 बार में, और 2 से कटेगा ये 8 बार में। जितना कटे काटिए, ये एक साइड और ये दूसरे साइड, एक पक्ष इधर सब और दूसरे पक्ष इधर, जितना कट रहा है काटिए। तो 3 से देखो यार ये कट रहा है कितने बार में? 3 बार में, और ये 3 से कट रहा है कितने बार में? 5 बार में। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर क्या हो गया, 8, और यहां पे कितना हो गया? 5 हो गया आपका, ठीक है? ये 8 बचा और यहां 5 बचा। अब परसेंट डिस्काउंट निकालना है, परसेंट डिस्काउंट निकालना है। तो 8 अंकित मूल है और 5 में बिका मतलब छूट मिला 3 का, तो 3/8 गुणा 137% इज द राइट आंसर, ठीक है? रंजन राजा जी बोल रहे हैं 25%। देखो यार गलत आंसर है। यदुवंशी विकास राज जी 10M वाला क्लास रेगुलर रहेगा ना सर? हाँ 10M बिल्कुल रेगुलर रहेगा, बस आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए तब तक रेगुलर रहेगा। हाँ जब तक कि आपका कह सकते हैं इंटरेस्ट ये ना हो जाए, इंटरेस्ट खत्म क्लास भी खत्म। हाँ एकदम 100 बात की एक बात क्लियर कट, इंटरेस्ट खत्म क्लास खत्म। सुनिए क्वेश्चन नंबर फोर करें, बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य 24 रुपया। देखो यार बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य कितना है? 24 रुपया है, जबकि इसी तरह के 4 पैकेट का मूल्य कितना है? 84 रुपया। देखो भाई 4 से कटेगा एक बार में और 4 से कटेगा 21 बार में। कुछ बात समझ में आया? पहले बिस्किट का एक पैकेट का मूल्य कितना था सर? 24 रुपया था। देखो यार 24 रुपया आपका पहले एक बिस्किट का कीमत था, और अब देखिए एक पैकेट का कितना हो गया? 21 रुपया हो गया। तो कह रहे छूट का परसेंट बताओ, छूट का परसेंट प्रभावी छूट, प्रभावी छूट का मतलब कितना परसेंट छूट पर प्रभाव पड़ा उसका परसेंटेज निकालना है। तो पहले एक बिस्किट का एक पैकेट का 24 और अब एक पैकेट का कितना 81। देखो यार ये जो एमपी है ना पहले वाला, और अभी जो बच गया वो एसपी, ये दोनों हम लिखेंगे बराबर वस्तु का। अगर यहां एक पैकेट का है तो यहां भी क्या होना चाहिए? एक ही पैकेट का होना चाहिए। ये वस्तु की संख्या हमेशा बराबर रखना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
अगर क्रैमूल यहां रहता और यहां भी क्रैमूल रहता तो जितना वस्तु का क्रैमूल हम यहां लेते उतना ही वस्तु का भी क्रैमूल भी यहां लेते हैं, याद होगा लाभ हानि मैंने इस तरह का किया है। अब बोलो यार यहां पर बोल रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 3 और बटा में कितना 24 और गुणा कितना 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 12.5% है कहीं पर डी नंबर आपका। अरे 1/8 हो गया जी, और 1/8 का मान कितना होता है 12.5% होता है। आप लोग भूल रहे शायद, क्या मैंने 1/8 नहीं पढ़ाया है? चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। वैल्यू निकालना बता दीजिए थोड़ा सर, विजय कुमार नपित जी। देखो यार आप प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए यहां पर। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। चिन्हित करने का मतलब उस पर प्रिंट करना, क्या करना उस पर प्रिंट करना, प्रिंट कर देना, 120% से बढ़ा के प्रिंट करता है, क्लियर है बात। फिर कहते हैं और 30% की क्या करता है छोड़ देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपए हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे क्या करता है पूछता है, क्लियर है बात। अब देखो यार एकदम सिंपल बात यहां पर समझना है कि 750 रुपया क्या है, लागत मूल्य है। 750 रुपया क्या है, लागत मूल्य है, सीखिएगा सब लोग। 750 रुपये लागत मूल्य है, व्यापारी खरीदा था वस्तु कितने में, 750 खरीद के अपने घर में ला दिया। अब उसके बाद क्या कर रहा है ना कि 120% से बढ़ाता है, 120% से बढ़ाता है, इसका मतलब जानते हैं इसका 120% कितना होगा, इसका 120% कितना होगा आपको पता है, 120% कितना होगा आपको पता है, मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा सब लोग, 120% क्या होगा सब लोग सुनिएगा, सुनिए देखिए 750 रुपये आपका क्या है अंकित मूल्य है और 120% बढ़ा करके चिन्हित करता है, तो 750 का 120% कितना होगा, तो बोलो यार 100% कितना होगा, 750 और 20% और यानी कितना 150 और 150 यानी कुल मिलाकर के 900 रुपये आपका हो जाएगा। देखो ये लागत मूल्य है और लागत मूल्य का 120% पूछ रहे, तो 100% ये 20% ये, अरे 10% 75 तो 20% 150 नहीं होगा। अब देखिए 900 और 750 यहां पर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1650 रुपया, और 1650 रुपया ये क्या हो गया आपका अंकित मूल्य हो गया। व्यापारी खरीद के लाया 750 रुपये में और अपने घर पर अपने दुकान पर 120% बढ़ा के छाप दिया, तो 100% खुद 750 और 20% और यानी 900 रुपये बढ़ा के छाप दिया है, इसका मतलब छपा हुआ मूल्य कितना हो गया 1650 हो गया। अब देखो यार 30% का इस पे क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है, 30% का इस पे क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो माइनस कर दो ना 30% इसमें, 30% माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, सोचिए तो 10% की वैल्यू कितना हो गया सर, 10% की वैल्यू कितना हो गया 165, 30% की वैल्यू निकालना है 3 से गुणा कर देंगे, तो 165 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 का 5 1 और 6 3 18 19 और फिर कितना 4 495 हो गया, यानी समझ जाओगे 495 का डिस्काउंट दे रहा है, बात समझ रहे, 30% इसका 30% कितना आया 495 आया, अब 495 इसको माइनस कर दीजिए, अरे वस्तु पर छपा हुआ है 1650 रुपया, इसका 30% 495 रुपए का छूट दे रहा है तो कितना बेच रहा है, तो इसमें से घटा दीजिए, बोले कितना आएगा 10 में से 5 घट जाएगा 5 और 14 में से 9 घट जाएगा कितना 5, यानी 1155 वाला आंसर हो जाएगा। अरे 2 को 5 दाहिने साइड से आ गया, इसी ऑप्शन में ना है, तो माजरा भाई रियल में ये है, ठीक है। सतीश जी रेशियो से ही बन रहा है जी में, हाँ रेशियो का भी आप यूज कर सकते हैं, रेशियो का भी यूज आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, रेशियो का भी यूज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं, रेशियो से भी आप आसानी से कर सकते, देखो यार सीपी मान लिया कितना 100, ठीक है, और एमपी 120% से बढ़ा दिया तो एमपी कितना हो गया 220 हो गया, ठीक है, एमपी कितना हो गया 220 हो गया। अब देखो यार यहां पर अब क्या करना है, बेचना है, बेचना है, तो इस पे डिस्काउंट देगा कि नहीं,
आप जल्दी से बताइए इस पर डिस्काउंट देगा कितना 30%, तो आप बताओ 10% 22 तो 30% कितना 66, इसमें से आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 60 पहले माइनस करिए ना, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160 और 6 और घटाइए तो 100 यहां पर कितना हो गया 54 हो गया आपका, क्लियर है। तो ये क्रैमूल को 100 मान लिए तो अंकित मूल 220 और फिर इस पर 30% कम किए तो 154 हो गया अभी क्रैमूल। अब इसको देखिए चाहे तो आप इसको काट के और छोटा कर सकते हैं, जितना हो सके आप काटिए, कुछ कटेगा जी? अरे 2 से तो जरूर कटेगा यार, 2 से कितने 50 बार में, 2 से कितने 110 बार में, और 2 से कितने 77 बार में। अब देखो यार ये क्रैमूल का अनुपात 50 आ गया और 50 अनुपात बराबर 750 रुपए, तो आप बताओ यार 50 अनुपात बराबर 750 रुपए तो 1 अनुपात बराबर कितना 75 रुपया, 75 नहीं 150 रुपया, 150 नहीं 15 रुपया आपका, ठीक है। अरे 50 से इसमें भाग दिए ना 15 रुपया, एक रेशियो की वैल्यू 15 रुपया, हमसे भी क्रैमूल पूछता है तो 77 रेशियो की वैल्यू कितना 77 × 15, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, सीपी बना लिए, एमपी बना लिए, एसपी सबका रेशियो बना लिए और 50 बराबर इतना रुपया, इसलिए एसपी पूछता है 77 इक्वल टू व्हाट, बोलता है कि एमपी बताओ तो 110 इक्वल टू व्हाट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तरीका बहुत सारा है, बहुत सारा मेथड होता है क्वेश्चंस का, ठीक ना, जितना आप इसमें माथा लगाइएगा उतना ही सीखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्या कहता है भाई, सारे लोग यहां पर ध्यान देंगे। ब्रांड ए के एक टेलीफोन पर 25% का छूट और ब्रांड बी के एक टेलीफोन पर 40% का छूट, ठीक है। इस पे कितना छूट 25% और इस पे कितना 40% की छूट, तो आप चाहे तो यहां पर काम कर सकते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया एमपी और यहां लिख दिया एसपी, ठीक है। अब देखो 25% का मतलब 1/4 होता है, कितना होता है 1/4, इसका मतलब 4 अंकित मूल है, 1 का छूट तो बिकेगा 3 पर। 40% की वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है, इसका मतलब 5 अंकित मूल है, 2 का छूट तो बिकेगा कितने पर 3 पर, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रांड ए का और ये हो गया आपका ब्रांड बी का, क्लियर है बात, क्लियर है। अब सुनिए सब लोग यहां पर, अब सुनिए, कहता है कि छूट के बाद बी का मूल्य, छूट के बाद बी का मूल्य कितना है सर 3 है, 5 था अंकित मूल, छूट मिला तो 3 हो गया। छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपया अधिक है, देखो यार छूट के बाद बी का जो मूल्य है ना वो ए से 2250 रुपया ज्यादा है, 2250 रुपया जो है 2250 रुपया जो है ज्यादा है, कौन ये वाला ज्यादा है, 2250 रुपया जो है ज्यादा है, ज्यादा है कौन ये। फिर पढ़िए क्या बोलता है, यदि ए का अंकित मूल क्या है, ए का अंकित मूल क्या है, तो ए का अंकित मूल यहां पर ये वाला पूछ रहा है। फिर कहता है बी का अंकित मूल 35,000 रुपया है, बी का अंकित मूल कितना है 35,000 रुपया है। देखो यार बी का अंकित मूल 35,000, एकदम मौखिक कर लीजिए, बी का अंकित मूल 35,000 है, लाभ हानि में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया था, बी का अंकित मूल 35,000 है तो 5 रेशियो बराबर कितना, देखिए मैं लिख रहा हूं जल्दी बोलिए, 35,000 रुपए तो 1 रेशियो और 7,000, तो बोलिए 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 21,000 होगा जी, 21,000 होगा, अरे बोलिए ना 5 रेशियो 35,000 तो 1:7,000 3:21,000। अब सुनिए ये जो 21,000 है ना उससे 2250 ज्यादा है, 21,000 ये जो है ना उससे 2250 ज्यादा है, तो अगर इसमें से हम 2250 कम कर देंगे तो इस रेशियो का मान ही निकल जाएगा, तो इसमें से 2250 आप घटाइए तो 21,000 में से 2,000 घटा दिए तो कितना 19,000 और 250 और घटा दिए तो 18,000 कितना 750 रुपया हो गया। तो 3:18,750, इसलिए ए का अंकित मूल पूछता है 4:1 इक्वल टू व्हाट, तो क्या करेंगे 18,750 3:1 का मान है, तो 3 से भाग दे दीजिए तो 1:1 का मान निकल जाएगा और 4:1 का मान निकालना है तो 4 से क्या करेंगे गुणा कर दे, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं 17,000, 3 से भाग देंगे 6×24 125,000 आपका हो जाएगा, आ रहा है जी 25,000, आप देख लीजिए तो लग रहा है 25,000 होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,250 और 4 से गुणा होगा 25,000, एकदम सही जवाब है। किसी को कोई डाउट है,
देखो यार, एक अपना नाम ही रख दिया है सर, नहीं हो रहा है, नहीं खुल रहा है सर। अब बार बार हम नाम पढ़ रहे हैं, बंदा का हम कंफ्यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और क्या नहीं खुल रहा है। चलिए यदुवंशी विकास राज जी, 10 AM वाले क्लास में ऑल चैप्टर इंड होगा ना सर? देखो यार, बंदा तो बहुत होशियार है, ठीक ना, ऑल चैप्टर कंप्लीट होगा ना सर? ऑल चैप्टर 10 AM कंप्लीट होने में आपका बरसों लगेगा, ठीक ना। पेड बैच में ज्वाइन करिए, तब जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। बंदा बहुत चालाक है नहीं। सुनिए क्वेश्चन नंबर 7। रोबिन शर्मा जी, इसका पीडीएफ मिलता है सर? हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डलवा देंगे। जितने भी क्वेश्चन, जो भी चीजें मैंने पढ़ाया है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे। टेलीग्राम पर आप जुड़िए, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप अंकुश मैथमेटिक्स जो है सर्च करिएगा जा करके, ठीक है। अंकुश मैथमेटिक्स आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा, आप जुड़ जाएंगे। अदरवाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां भी जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, वहां पे आपको पीडीएफ डेली जो है कुछ ना कुछ पीडीएफ आपको मिलता रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट होंगे, वो कुछ ना कुछ मैं देते रहता हूं, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार अंकित मूल पर 45% की छूट देता है और इस पर क्रैमूल पर, और इस प्रकार वह क्रैमूल पर वस्तु को बेचता है। सोचिए 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 सोचिए, अंकित मूल अगर हम मान लिए कितना 100 और 45% की छूट देता है, इसका मतलब बिकेगा कितने में? 55 में। अरे बोलो ना, 100 अंकित मूल है, 45 का छूट, तो बिकेगा कितना है? 55 में। और तनी भाषा पढ़िएगा, कहता है 45% छूट देता है, इस प्रकार वह क्रैमूल पर वस्तु को बेचता है। क्रैमूल पर वस्तु को बेचता है मतलब जितना में बेच रहा है ना, ये सर सीपी भी है। मतलब सीपी भी किस्मत से कहिए 55 है, जितना में बेच रहा है इस प्रकार वह क्रैमूल पर बेचता है। मतलब ये विक्रैमूल और सीपी यहां पर क्या है? बराबर है। कहता है ज्ञात कीजिए उसने कितने परसेंट अधिक मूल अंकित किया था, कितना परसेंट बढ़ा के छापा था। तो आप बताइए, क्रैमूल कितना है सर? 55 है। खरीदा था वस्तु को कितने में? 55 में। और छापा था कितना? 100। प्रिंट कितना कर दिया था? 100। तो कह रहा कितना परसेंट ज्यादा प्रिंट किया था क्रैमूल से, कितना ज्यादा प्रिंट किया था। देखिए, प्रिंट बढ़ा के करता है किस पर? जितना में खरीदा है उसी पर ना। तो यहां पर देखना है कितना परसेंट ये ज्यादा है, एमपी किस से? सीपी से। बस परसेंट यहां पर क्या बोल रहा है? ज्यादा बोल रहा है। एरो ऊपर कर दिए, कितना ज्यादा है यार? 45 ज्यादा है, है कि नहीं? तो 45 को लिख देंगे ऊपर, और 55 को कहां लिखेंगे? नीचे। और गुणा कितना कर देंगे? 100। 55 नीचे होगा जी, इसी पे ने बढ़ाया, जिस पे बढ़ा रहा है, जिस पे वृद्धि हो रहा है, जिस पे कमी हो रहा है, उसको कहां लिखेंगे? नीचे में। आप कैलकुलेट करिए, तो 5 से कटेगा सर 9 बार में, और 5 से कटेगा 11 बार में, तो 9/11, तो 1/11 का मान होता है 9.09, और 9/11 का मतलब 9 गुना, तो 81.11, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है, सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। क्या बोल रहे? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, कितना बिकता है जी? इतने रुपए में बिकता है, और 16% जो है डिस्काउंट दिया गया। एक बात बताओ यार, एक बात बताना मेरे भाई, कि अंकित मूल्य कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। और 16% का जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 84%। अरे 100% अंकित मूल्य और 16% का डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य 84% और इक्वल टू कितना? 882 रुपये। देखिए, भी विक्रय मूल्य है, इसलिए चुकी हो गया। अब कह रहा है इसलिए, इसलिए कहता विक्रय मूल्य कितना होगा? लीजिए नया वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, और जबकि 28% की छूट दिया जाए। कितना छूट दिया जाए? 28%। आप ही बताइए, 100% अंकित मूल है और 28% अगर हम छूट देंगे तो बिकेगा कितने में? 72 में। 72% बिकेगा। तो देखिए, पहले से विक्रय मूल्य था 84%, जो 882 के बराबर था, लेकिन जब 28% का डिस्काउंट देंगे तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 72%। और इसी का मान रुपया में पूछ रहा है, तो सिंपली कर देंगे, 84 बराबर इतना, इसलिए 72 = what। देखो यार, ये कटता है क्या 84 से? कटता है जी। चलिए ऐसे काटिए इसको, आप
दो से काटिए इसको 42 बार में और दो से काटिए इसको ऐसे 36 बार में। अरे ऐसे भी काट सकते हैं। अब सुनिए, 42 से इसको काटिए तो 42 दुना 84 और 42 से कम 42, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर 21, तो 36 रेशियो इक्वल टू कितना, 36 गुना 21। अरे आता एक एक नियम, एक एक नियम में ही दोनों भी कटता है, आप काट सकते हैं, स्वतंत्र है, जान लीजिए। यहां भी आप काट सकते हैं, तो दो से काट दिया 42 और दो से 36 बार में, अब 42 से 21 बार में, तो एक रेशियो बराबर 21 रुपया, इसलिए 36 रेशियो इक्वल टू व्हाट, या 36% इक्वल टू व्हाट, कितना रहा जी, 6 कम 6 इकाई अंक 6 वाला एक एक ऑप्शन है, मार दीजिए ये नंबर। अरे 6 कम 6 यार, तो ये नंबर ऑप्शन कहां, किसी का इकाई अंक 6 है नहीं, इसे माथा लगाइए। यूनिट डिजिट से भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कम करना होता है, पकड़ा जाता है, ठीक ना। चलिए, तो मैंने टोटल कुल मिलाकर के 8 प्रश्न आपको कराया है और मैंने आपको कंसेप्ट भी दिया है, तो उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी को जो है ये चीजें समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अभी इस एडवांस मैथ के बैच में सिर्फ 500 रुपए में नामांकन हो रहा है। जिनको भी एडवांस मैथ में प्रॉब्लम होता है, मेरी प्रयास रहेगी कि उनकी मैथमेटिक्स को मैं बहुत बेहतरीन कर दूंगा और क्लासेज करने के बाद एडवांस मैथ का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, चाहे आप SSC, CGL, CPO, CHS, LMTS या रेलवे के अंतर्गत NTPC, ग्रुप डी या ऑल अदर एग्जाम की आप तैयारी करते हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एडवांस मैथ आपसे बनेगा। एडमिशन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन पर जाकर के आप विजिट करिए, सारा चीज आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट जो है सीधे कॉन्टेक्ट करिए आप, ठीक है, एकदम हमेशा हमारी टीम एकदम तत्पर है आपकी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है आज का क्लास जो है, विनय कुमार नपीत जी, एडवांस का टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता। देखो यार, टाइमिंग चेंज तो नहीं होगा, 8 सितंबर से सुबह 8 बजे ही चलेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी मैं क्लासेज कराऊंगा उस सारे क्लासेज का वीडियो आपको एप्लीकेशंस पर मिलेगा, वो सारे क्लासेज का वीडियो आपको एप्लीकेशंस पर मिलेगा। आप चाहे तो उसको बाद में 6 महीने तक अनंत बार आप देख सकते हैं, 6 महीने तक आप इन्फिनिटी टाइम्स देख सकते हैं वीडियो को, और जितने भी कर सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, और सारे मटेरियल का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी चीज को समझ गए, एडमिशन स्टार्ट है, आपके गांव में कस्बे में जितने भी आपके मित्र हैं, बहुत बड़ी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, अवसर है हमसे एडवांस मैथ पढ़ने का, और सिर्फ कितने, 500 रुपए में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।